मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की ओर से कमर कस ली गई है। प्रचार भी जोरों पर जारी है। इस बीच बीजेपी की ओर से मध्य प्रदेश के लिए प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई, जिसको देखकर खुद बीजेपी के नेता तक भौचक्के हो गए। यहां तक प्रत्याशी बनाए गए कैलाश विजयवर्गीय ने खुद कहा कि मुझे 1% भी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी। सवाल है कि क्या वो कारण है जिसके लिए बीजेपी को अब केंद्रीय मंत्रियों को उतारना पड़ गया। सूत्रों की माने तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। आने वाले समय में राजस्थान की लिस्ट भी कुछ इसी प्रकार की हो सकती है। हालांकि इसको लेकर अगर बीजेपी सूत्रों की माने तो बीजेपी ऐसा इसलिए भी कर रही है ताकि विरोधियों को यह दिखाया जा सके कि वो एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। ये दिखाना कि बीजेपी में कोई भी मतभेद नहीं है, आने वाले समय में नए चेहरों को सांसद बनने का मौका मिल सकता है। जनसत्ता पर छपी एक खबर के मुताबिक बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय नेताओं को मैदान में उतारना जीत को पक्का करने का तरीका है। बीजेपी सूत्रों का मानना है कि जिन केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारा गया है या फिर उतारा जा सकता है, उनमें गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल जैसे नेता शामिल हैं। इनके अलावा दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी इन्हीं चेहरों में से एक है। माना यह भी जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की ओर से राजस्थान में अपने उम्मीदवारों के नामों को फाइनल कर सकती है। खबर है कि राजस्थान बीजेपी की ओर से लिस्ट तैयार की जा रही है, जिसे बाद में लेकर पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी निर्धारित करेगी। बता दें कि बीजेपी की ओर से जैसे ही एमपी के लिए दूसरी लिस्ट जारी की गई तो सभी लोग हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि लिस्ट में विधायक का चुनाव लड़ने के लिए 3 केंद्रीय स्तर के मंत्री तो बाकी 4 सांसदों के नाम शामिल थे। इसके हिसाब से माना जा रहा है कि 18 साल से सूबे में सीएम पद रहने के कारण एंटी इनकम्बेंसी की आशंका है। शिवराज से जनता कुछ हद तक नाराज भी हो सकती है। वहीं कुछ राजनीतिक पंडितों का मानना है कि राजस्थान में भी बीजेपी कुछ इसी तरीके की लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि एक तो बीजेपी वसुंधरा राजे को संदेश देना चाहती है कि बीजेपी में सीएम फेस के लिए और भी चेहरे हैं, तो दूसरी ओर ये संदेश भी देना चाहती है कि हो सकता है कि अब भी बीजेपी की ओर से राजे को सीएम फेस न बनाया जाए। हालांकि वसुंधरा राजे से जुड़े सूत्रों का मानना है कि राजे के सपोर्ट के बिना बीजेपी का जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान का वोटर अलग है। लिहाजा अब देखना होगा कि बीजेपी जिस एक तीर से दो निशाने लगा रही है, क्या वो दोनों सटीक जगह बैठता है या फिर कुछ और ही होता है।